शहर दर शहर अब व्लादिमीर पुतिन की सेना आगे बढ़ रही है कीव का कीव के बाद। अब आपको बताएं खेरसन पर रणनीति साफ दिख रही है। एक तरफ कीव पर 68 किलोमीटर लंबी रूसी जो टुकड़ी है वो आगे बढ़ रही है, तो एक और शहर खेरसन, खेरसन शहर के एंट्री गेट पर रूसी फौज डट गई है। शहर दर शहर न सिर्फ धमाके और हमले हो रहे हैं। सुमी शहर जहां पर ये वीडियो आप देख रहे हैं, जहां पर एक सैन्य ठिकाने पर सीधा बमबारी की गई है, 70 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। तो बैरिकेडिंग लगाकर अब खेरसन शहर को घेरने की कोशिश है। यूक्रेन के दक्षिण में काला सागर के पास है खेरसन, यूक्रेन के दक्षिण में काला सागर के पास, ब्लैक सी के पास है खेरसन, और खेरसन शहर पर भी कब्जा करने की फिराक में इस वक्त रूसी सेना दिखाई दे रही है। गौरव सावंत हमारे सहयोगी इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलग अलग शहरों से खबर आती हुई और आक्रामक होते हुए व्लादिमीर पुतिन, क्या कुछ जानकारी आप देंगे इस वक्त? खेरसन के मेयर ने कबूली है रूसी घेराबंदी की बात, वहीं पर अलग अलग शहरों में अब घेराबंदी बढ़ती चली जा रही है, धमाके हमले सैन्य ठिकानों पर, कीव के पास एक प्राइवेट हॉस्पिटल पर हमले की खबर है। गौरव, क्या है इन सब की सच्चाई? इस समय जो खबरें यहां पर आ रही हैं राजधानी कीव में, उसमें यही पता चल रहा है कि रूस की सेना बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है अंजना, और कई शहरों को उन्होंने घेर लिया है। कई शहरों पर इस समय लगातार बमबारी चल रही है। अब से 10 मिनट पहले यहां पर राजधानी कीव में भी एयर रेड सायरन बजा था, जिसके बाद अगर आप देखें तो ज्यादातर सभी लोग अपने घरों में थे, लेकिन अब एयर रेड सायरन हटने के बाद अब लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, गाड़ियां कुछ सड़कों पर नजर आ रही हैं, लोग निकल रहे हैं। लेकिन अब आप ये भी देखिए, यहाँ पर इस समय बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है इस समय राजधानी कीव में, पारा 0 से 5 डिग्री नीचे। लोगों का प्रयास यही कि उनको किसी भी दुकान से कोई भी जरूरत का सामान मिल जाए उसे खरीद कर लोग अपने घरों पर आ रहे हैं। यहाँ पर पेट्रोल मिलना इस समय सबसे बड़ी चुनौती है, ईंधन नहीं मिल पा रहा है लोगों को, तो जो गाड़ियां लंबे काफिले की आती हैं कहीं और जाने के लिए फुल टैंक में, उससे लोग टैंक से पेट्रोल निकाल निकाल के अपनी गाड़ियों में भर रहे हैं ताकि इमरजेंसी के लिए कुछ पेट्रोल उनके पास रहे। पानी और खाना दोनों की समस्या, जैसे आप आसपास देखें अंजना, सभी दुकानें अभी बंद है। ये जो रास्ता है ये यहाँ के सेंट्रल रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है, और इस रास्ते पर उन लोगों की गाड़ियां हैं जो इस शहर से बाहर निकल जाना चाहते हैं। बॉम्ब सायरन्स और एयर रेड्स और धमाकों के बीच लोग निकल जाने का प्रयास कर रहे हैं, खासतौर पर जब खबरें ये आ रही हैं कि लगभग 64 किलोमीटर लंबा रूस की सेना का एक काफिला बढ़ता जा रहा है उत्तर दिशा की तरफ से राजधानी कीव की ओर। दक्षिण दिशा की ओर से भी आक्रमण भी हो रहा है, शहरों पर घेराबंदी भी हो रही है, और कुछ टुकड़ियां आगे बढ़ रही हैं कीव की ओर। तो लगभग हर तरफ से कीव को घेरने की तैयारी जो रूस की सेना की है, उससे बचने के लिए अब लोग यहां से निकल जाना चाहते हैं। यहां लगभग हर गाड़ी में आप देखेंगे एक नीले और पीले रंग का स्टिकर लगाया गया है। नीले और पीले रंग का स्टिकर ये दर्शाता है कि ये कीव की एक तरह से फाइटिंग फोर्स है, ये मिलिशिया फोर्स है, तो उनकी गाड़ियों को चेक नहीं किया जाता, बाकी सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है कि उसमें कोई रूसी सैनिक, रूसी स्पेत्सनाज का कोई आदमी, या फिर चेचन रिबेल्स या चेचन फाइटर्स उसमें ना हो, जो अंदेशा यहां पर है कि जो अंदर से ही कोई सबवर्सिव एक्टिविटीज को अंजाम देना चाहते हैं। अंजना, गौरव, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सुपर मार्केट पर बमबारी, प्राइवेट हॉस्पिटल पर बमबारी, सुमी में सैन्य ठिकाने पर बमबारी, ये पुतिन के दिमाग के बारे में इस वक्त क्या कह रहा है, उनकी सेना की स्ट्रेटेजी के बारे में क्या कह रहा है? प्रयास उनका यही लग रहा है इस समय कि वो इस देश के लड़ने की विल, जी बताएं बताएं गौरव, अंजना, इस देश में लोगों के लड़ने की विल को वो तोड़ना चाहते हैं कि अब ये देश रेजिस्ट ना करे। ये छठा दिन है, 6 दिन से रेजिस्टेंस चल रहा है यूक्रेन का, और ये रेजिस्टेंस मजबूत है। उस रेजिस्टेंस को, उस विल पार को तोड़ने की ये कोशिश है, और सेना आमतौर पर ये करती है मिलिट्री ऑपरेशन में कि सबसे पहले किसी भी देश की लड़ने की विल को वो तोड़ती है, और यहां इस समय यही नजर आ रहा है कि जब आप सिविलियन एरियाज को भी टारगेट करते हैं, बिल्डिंग्स को टारगेट करते हैं, जब आप सुपरमार्केट को या अस्पताल को टारगेट करते हैं, तो मिलिटरीली ये गलत है, खासतौर पर हॉस्पिटल को टारगेट करना, लेकिन एक तरह से ये दुश्मन की विल, ये प्रतिद्वंदी की विल तोड़ देती है कि वो आपको रेजिस्ट करे।